आर्यभट्ट रिसर्च हॉस्टल है, यहाँ तो हॉस्टल्स बहुत हैं, रिसर्च हॉस्टल भी है, लड़कियों का भी है। तो इस हॉस्टल में आज हमें बुलाया गया, कारण क्या है, इसके सुपरिंटेंडेंट ने बहुत ही मेहनत करके बच्चों का जो है उसका विश्वास लेके हितान साहब के सहयोग से, हितान साहब भी आए हैं, तो इसमें हमारे जो सुपरिंटेंडेंट है उनका ही सब कुछ किया हुआ है कि इन्होंने इन्हें कन्विंस किया। और ये इस समाज के एक दानवीर हैं, और भी बहुत लोग हैं, लेकिन आज हॉस्टल में फर्स्ट इनका किया हुआ है। तो आज हम लोगों के लिए खुशी का दिन है कि आज जो हॉस्टल में आए हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि हॉस्टल का कहीं भी कुछ इधर उधर है, दिखने में लड़कों को कोई दिक्कत है, भीतर गए तो साफ सुथरा है, हर जगह बिजली है, पानी है, सब की सुविधा है। बाहर हम देख रहे हैं कि पर्यावरण के दृष्टि से हरा भरा है। तो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ वातावरण भी चाहिए, इन्होंने वातावरण देने का काम किया है। सर, विश्वविद्यालय की तरफ से और इसको बड़ा आगे बढ़ाने के लिए क्या, जहाँ तक होगा किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। विश्वविद्यालय की ओर से अभी इन्होंने डिमांड किया था टीवी का है, और भी डिमांड है, टीवी छोटी सी चीज़ है, हम लोग कोशिश करेंगे कि हाँ, वाईफाई भी छोटी चीज़ है, कोई चीज़ ये ऐसा नहीं है, वो सब करेंगे ही, और भी करेंगे, और भी हम लोगों ने सोच रखा है, लेकिन हमारी आदत है कि कर देंगे तब आपको बुलाएंगे। ठीक है, जब से इस हॉस्टल में आर्यभट्ट शोध छात्रावास, संजय जी चूंकि हमारे बहुत ही निकटतम और पूर्व परिचित शिक्षाविद हैं, तो जब से ये सुपरिंटेंडेंट हुए अक्सर इस हॉस्टल के बारे में बातें होती थी, सर का भी बुके और एक बार आना हुआ, इसके बाद धीरे धीरे सोचा गया कि इसको कुछ थोड़ा आकर्षक बनाया जाए। इसी सिलसिले में बातें होती रही और डेवलपमेंट होता रहा, और सौभाग्य से बहुत अच्छा लग रहा है आज के दिन इस हॉस्टल में प्रोभीसी साहब, जिला परिषद अध्यक्ष जी, मेयर साहिबा एवं उपाध्यक्ष जिला परिषद वगैरह जितने लोग हैं, सज्जन किशोर भुइया जी, राम गोपाल पोद्दार जी, इन लोगों का अच्छा योगदान रहा है पब्लिक वर्क में। सब लोगों ने अप्रिशिएट किया इस छोटे से काम को। इस प्रकार यदि साधारण पब्लिक और जनरल पब्लिक, एक्स स्टूडेंट्स इंस्पायर होकर जो थोड़े सक्षम हों, इस तरह का कार्य यदि करें, इसमें रुचि दिखलाएं, तो आने वाले दिनों में जिस तरह का नाम तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का है, जिस तरह का भौगोलिक आकर्षक इसका क्षेत्रफल और लुक है, तो जो हॉस्टल्स हैं नेगलेक्टेड, पब्लिक कॉपरेशन से ये सब भी संवर जाएंगे और एक अच्छा संदेश चारों ओर जाएगा। देखिए, मैं जिस विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ, वह पूरा का पूरा विश्वविद्यालय जो है दान में बना है। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, मैं वहीं का स्टूडेंट भी रहा हूँ। तो जब मैं यहाँ आया था तो अधिकारियों से मेरी बात हुई और मुझे नियुक्त किया गया, तो मैंने इसे चुनौती के रूप में लिया और तत्कालीन कुलपति नीलिमा गुप्ता मैम से मेरी बात हुई थी, और DSW साहब ने काफ़ी इसको अप्रिशिएट किया कि सामाजिक सहयोग से अगर ये काम हो जाए तो और भी समाज भी जुड़ेगा विश्वविद्यालय से। विश्वविद्यालय में पैसा जो है सिर्फ पैसा मुद्दा नहीं था, विश्वविद्यालय से समाज को जोड़ना उद्देश्य था, और ये जो काम आप देख रहे हैं, विश्वविद्यालय से समाज को जोड़ा गया है, समाज को जोड़ना असली उद्देश्य था। हमारे बच्चों में जो आत्मविश्वास आप देख रहे हैं, उनकी जो खुशी देख रहे हैं, आप किसी भी बच्चों से बात करेंगे उसके चेहरे पर खुशी दिखती है, उसको लगता है कि मेरे जेन्युइन बात को सुना जा रहा है, विश्वविद्यालय में समाज के लोग आकर के सहयोग कर रहे हैं। तो इससे जो है विश्वविद्यालय और समाज का जो सहयोग होगा, वो दोनों का जो तारतम्य है वो ज़्यादा बेहतर होगा, इस उद्देश्य से मैंने इसकी शुरुआत की।